अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ, और ये मैंने 2 पैकेट मेरी बिस्किट ली है, ये कहीं से भी आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। और मेरी बिस्किट को मैंने इस तरह तोड़ने हैं सारे। बड़े बड़े करके तोड़ने हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करने। ये हमारी एक केक की तरह बन जाएगा और बहुत ही मज़े का है, बनता है ये। पहले मैं सॉस आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ। कोको पाउडर लिया है, चीनी ली है और कॉर्नफ्लोर लिया है। तो पहले मैं इन सबको मिक्स करूँगी। कोको पाउडर लिए है, चीनी ली है। चीनी, कोको पाउडर मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून लिए बड़े वाले, और चीनी मैंने तकरीबन 10 टेबल स्पून ली है। तो आप लोग इस हिसाब से भी बना सकते हो, वरना तो आप लोग मीठा चेक करके बनाओ। और ये भी मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून लिए बड़े वाले कॉर्नफ्लोर। और दूध मैंने तकरीबन 1/2 लीटर लिए हैं। इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं चूल्हा लगाऊंगी, बिल्कुल फुल आंच पे मैं नहीं रखूंगी, मैं थोड़ा सा लगाऊंगी। तो अभी मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाऊंगी कम आंच पे, फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसको हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चॉकलेट डालेंगे इसमें। आपके पास कोई भी चॉकलेट हो डाल दे, मेरे पास चॉकलेट स्प्रेड की तरह है तो मैं वो डालूंगी 2 चम्मच, मगर इसको सही पकाना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अगर ये आप लोगों ने बना लिया, आप हर चीज़ भूल जाएंगे, ये इतने मज़े का होता है। अभी अब मैं 2 टेबल स्पून ये चॉकलेट डालूंगी, नोटेला, आप लोग कोई भी ब्रांड से ले सकते हो। बस मैं इसको अभी थोड़ा सा गाढ़ा करूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आपने मुसलसल तकरीबन 5-6 मिनट चम्मच मारना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाए। बस अभी ये मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी और फिर ये गाढ़ा हो जाएगा। अब ये देखो बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसको चूल्हा बंद करूँगी, ये देखो, और आपको दिखाती हूँ। अब ये मैं चॉकलेट ये मेरी बिस्किट में डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी ये सारा। बस इसको मिक्स करेंगे, इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इस तरह का कोई भी आप ले ले, कोई केक वाला ले ले या घर का कोई डोंगा, कुछ भी आप ले सकते हो। इससे मैंने बटर पेपर रख लिया है। अब ये मैं डालूंगी, ये मैंने सारा इसमें डाल दिया है। अब इसके मैं लेवल सही करूंगी। अब इसको मैं रखूंगी फ्रीज़र में तकरीबन 2-3 घंटे के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको, दो नहीं तकरीबन 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा है। तो अभी मैं इसको काट के आपको दिखाती हूँ।
ये बिल्कुल आप ओरियो चॉकलेट केक भी कह सकते हो इसको। ये देखो बहुत अच्छी तरीके से ये फ्रीज हो गया। ये ले लो, ये इसी तरह होता है। तो आप लोग भी लाजमी ट्राई करें और बच्चों को दे दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।